अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए टीवी पर दिखाई पड़ा। क्योंकि अमेरिका और यहाँ के समय में 9 घंटे का अंतर, यहाँ शाम हो रही है अमेरिका में सुबह हो रही है। अब देखो मैं आपको याद करा दूं कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका में, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि 21 जून ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 193 देशों ने सर्वसम्मति से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया और आज 9वां संस्करण हुआ जिसमें आप सभी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया होगा। मित्रों, जब लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धि क्या है, यह भी एक उपलब्धि है कि बिहार के पातंजलि ने योग दिया, ये पूरे दुनिया में योग को फैलाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और आज योग को घर घर तक पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब दूसरा एक शुभ समाचार, महागठबंधन है धीरे धीरे कमजोर हो रहा, एक एक इंच दरक रही है। पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, फिर आरसीपी सिंह अलग हुए, फिर उसके बाद जीतन राम मांझी अलग हो गए, तो नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं कि ताकतवर हो रहे। और शुभ समाचार यह है कि अभी से 1 घंटा पूर्व श्री जीतन राम मांझी ने अमित शाह जी से मिलने के बाद ऐलान किया है कि मैं एनडीए में शामिल हो गया हूँ। मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए, आरसीपी सिंह जुड़ गए, मांझी जी जुड़ गए, तो हम मजबूत हुए। हम कमजोर हुए कि मजबूत हुए? और हम लोगों ने तो 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 बाई इलेक्शन में हरा दिया महागठबंधन को, 7 दलों के गठबंधन को, कुर्मी और गोपालगंज, और मोकामा में 64,000 वोट लाकर नीतीश कुमार को। मेरे मित्रों, 9 साल की उपलब्धियों पर जब फिक्र कर रहे हैं तो देखिए, नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 9 साल देश के प्रधानमंत्री, कई साल हो गया। आपने कभी सुना कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिन भी छुट्टी ली? 21 साल में जिस आदमी ने 1 दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहां तक कि मां की मृत्यु के बाद दाह संस्कार करने के 2 घंटे के बाद फिर जनता की सेवा में लग गया, ऐसा व्यक्ति देश और दुनिया में जिंदा होता है। और हमको गर्व कि हमारी पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी साल में 2 बार व्रत करते हैं, 9 दिन का नवरात्र, जो जल ग्रहण करते हैं, शाकाहार भी नहीं करते। और ऐसे नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जितना काम किया है, मुझे तो लगता है कि भगवान भी अगर आ जाए तो भी शायद इतना काम नहीं कर पाएगा जितना काम नरेंद्र मोदी ने 9 साल में करके दिखाया। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी छोटा काम करना भी जानते और बड़ा काम करना भी जानते, यही उनकी खासियत। क्योंकि गरीबी में पैदा हुए, उनको गरीबी में मालूम, इसलिए छोटा काम और बड़ा काम, अगर वो दरी बिछा सकते हैं तो मंच पर आकर माइक पर भाषण भी दे सकते हैं। और यही गुण बीजेपी के कार्यकर्ता में होना चाहिए। और 1 करोड़ से ज्यादा गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम किया, तो 2.5 साल में भव्य संसद भवन का भी निर्माण करके दिखाया। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। अगर 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों का पक्का घर बनाया तो राम मंदिर निर्माण का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त करके दिखा दिया। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़िया से बढ़िया वकील खड़ा किया और प्रमाणित कर दिया कि राम यही पैदा हुए। और 5 जजों की बेंच थी, 1 जज मुस्लिम था
सर्वसम्मति से फैसला हुआ, सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी की खासियत। मित्रों, अगर नरेंद्र मोदी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देना जानते हैं तो 11 करोड़ किसानों के खाते में प्रत्येक वर्ष 6000 रुपया भेजना भी जानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी धारा 370 को खत्म करना जानते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर 4 का बदला 40 से देना भी जानते हैं। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। अगर 220 करोड़ दो वैक्सीन, कोविड का वैक्सीन लगाना जानते, मुफ्त में 220 करोड़ डोज लगा, अगर नरेंद्र मोदी देश के 220 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोविड का वैक्सीन दिलवाना जानते हैं तो आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा की मदद भी करना जानते हैं। मुफ्त टीका नहीं दिया। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दुनिया के 100 देशों को मुफ्त में टीका देने का काम किया तो वही दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे 23,000 भारतीय बच्चे जो मेडिकल पढ़ने गए थे उनको सुरक्षित भारत में घर घर पहुंचाने का भी काम किया। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा और मैं विनोद जी को भी आग्रह करूंगा कि 3 दिन पहले ऑपरेशन बुद्धा के नाम से हिस्ट्री चैनल जो है उसने 55 मिनट की फिल्म प्रचार रिलीज की है। आप जो भी टीवी देखने वाले लोग हैं यूट्यूब पर जाइए और ऑपरेशन गंगा आप दबाइए, 55 मिनट का सीरियल और पूरी कहानी की किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22,000 से ज्यादा नौजवानों को सुरक्षित निकाल कर अपने घर तक पहुंचाया है उसकी पूरी कहानी ऑपरेशन गंगा में दिखाई है। मैं आग्रह करूंगा प्रांत के नेतृत्व से पूरे बिहार में हर जिले के अंदर वो शो होना चाहिए टीवी लगाकर ताकि लोग देखें कि नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार का काम किया। मित्रों, ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। आज अमेरिका गए हुए हैं, मैं आऊंगा उस पर बाद में। जब यूक्रेन की बात आई, आपको मालूम है 22-23 हजार बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है कि एक टेलीफोन किया रूस के राष्ट्रपति पुतिन को और दूसरा टेलीफोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को और कहा कि 1 घंटे के लिए युद्ध रोक दीजिए ताकि अपने बच्चों को निकाल कर हम ला सके। नरेंद्र मोदी के एक फोन पर रूस यूक्रेन का युद्ध 1 घंटे के लिए रोक दिया गया और 23,000 बच्चों को सुरक्षित निकाल कर हम लोग घर पहुंचा लेना चाहिए। तो ये है ताकत नरेंद्र मोदी। अब नीतीश जी कहते हैं कि कोई विकास का काम ही नहीं हुआ, कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता है कि वो ये लोग प्रचार करते हैं। तो नीतीश जी अगर टीन का चश्मा लगा लेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अरे कम से कम और कुछ दिखाई पड़े ना पड़े। ये जो कोइलवर आरा बक्सर जो 4 लेन बना है ये किसकी देन है? क्या ये बिहार भारत सरकार की देन नहीं है? है कि नहीं? देन है कि नहीं है? अब बन गया तो आप लोग धीरे से बोलते और ये तो हमला करते थे कि बना नहीं बना नहीं। और ये भी याद रखिए जमीन जो दी है उसका भी मुआवजा भारत सरकार ने दिया जो बिहार सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। और मेरे मित्रों, कोइलवर भोजपुर 1700 करोड़ रुपया, भोजपुर बक्सर 1722 करोड़ रुपया, अब पटना कोइलवर बाकी है। 65 हेक्टेयर जमीन देना है, जिस दिन नीतीश कुमार दे देंगे 1200 करोड़ की लागत से पटना से कोइलवर भी 4 लेन चालू हो जाएगा और तब पटना से कोइलवर, पटना से बखारा अब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये है नरेंद्र मोदी का काम। और कभी भी कामे नहीं हुआ ये आरा मोहनिया, ये आरा मोहनिया का क्या हाल था? 1500 करोड़ की लागत से आरा मोहनिया का काम चालू हो गया। ये बीटा एयरपोर्ट, अगर बीटा एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार 100 एकड़ जमीन दे दे तो पटना हवाई अड्डे पर जो हवाई जहाज उतरता है वो वहां उतरेगा नहीं, बीटा उतरेगा
और तब आरा बक्सर भोजपुर के लोगों के लिए हवाई यात्रा करना कितना आसान हो गया। लेकिन जानबूझकर नीतीश कुमार जमीन नहीं दे रहे कि दे देंगे तो श्रेय मिल जाएगा नरेंद्र मोदी को। और देखिए ये नरेंद्र मोदी का कमाल है, जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई यात्रा करेगा। अगर भरोसा नहीं है तो पटना हवाई अड्डे पर चले जाइए, एक समय तक हवाई जहाज पर वही लोग चलते थे जिनके पास अपनी गाड़ी होती थी या जो टैक्सी कर सकते थे, क्योंकि रिक्शा जा नहीं सकता, अभी तक ऑटो जा नहीं सकता है। अब क्या हाल है, 100 में 70 लोग गरीब लोग हवाई जहाज में चलते हैं, पीठ पर झोला लादे हुए पैदल चलकर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के रिक्शे पर या ऑटो पर बैठकर बस स्टैंड जाती है, अपने घर जाते हैं। ये है नरेंद्र मोदी का कमाल। ना वो कुछ बोले ना कुछ, विशाल पूर्णिया का एयरपोर्ट भी बंद कर तैयार हो जाएगा। आप कहते कोई काम ही नहीं हो रहा नीतीश जी, अगर काम नहीं तो क्या है, तो ये कोयलवर पुल जाके बढ़िया से पहले नरेंद्र मोदी ने बनवाया। हां भला तू मचले मत, और ये जो रेल पुल है 160 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था, 163 साल हो गया, कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन रेलवे का जो पुल है किसी ने बनवाने का काम नहीं किया। अब केंद्र की सरकार ने तय किया है कि जो रेल का पुल है उसको भी बनाएंगे, और मैं सुनता हूँ कि 3-4 साल के अंदर रेल का पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। मित्रों ये है नरेंद्र मोदी की ताकत। इसे मेरे मित्रों, इसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी गरीब का भी घर काम करना जानते हैं और बड़े लोगों का भी काम करना जानते हैं। आप लोगों को तो गंगा नदी पार नहीं करना पड़ता है, फिर मैं इतना ही बता दूं संक्षेप में कि इस समय गंगा नदी पर 5 नए पुल बन रहे हैं, 5 नए पुल गंगा नदी पर बन रहे हैं, 75-70 साल में 3 पुल और 9 साल में गंगा नदी पर 5 नए पुल बन रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। न पड़े जनता को सब दिखाई पड़वा, जनता सब देख रही है। और से मित्रों जो 9 साल में काम हुआ है, इसे मैं केवल बिहार के काम की चर्चा कर रहा हूं, लोग कहेंगे आप ऑल इंडिया चर्चा कर रहे हैं, अरे बिहार में क्या हुआ बताइए, कि मैंने गिना दिया काम, बोलिए तो मैं 1 घंटा केवल गिना सकता हूं। बरौनी में खाद का कारखाना, ये जो किसान भाई यूरिया खाद खरीदते हैं, इसका कारखाना था बरौनी में। कांग्रेस के जमाने में कारखाना बंद हो गया, कांग्रेसी लोग बंद करते थे, नरेंद्र मोदी खोल रहे हैं। पता है कितना करोड़ खर्च हुआ है, 8,500 करोड़ खर्च कर बरौनी का खाद कारखाने में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। और अगले 2 साल में हमको यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, यूरिया आयात नहीं करेंगे।